morning from Dharamshala, Himachal Pradesh. Welcome to my YouTube channel, Rolling Peaks. थर्टी डिग्री सुबह के 10-11 बज रहे हैं और 30 डिग्री कम लग रहा है क्योंकि हम 46 डिग्री से आए हैं ना। अभी 1700 किलोमीटर ट्रैवल किया हम लोगों ने गुजरात से यहाँ आने के लिए। एंड अभी आज से रियल राइड शुरू हो रहा है। कल नाइट में भी राइड करने का बहुत मज़ा आ गया था क्योंकि वादियाँ वाले एरिया चालू हो गए थे, तो नाइट ड्राइविंग में भी मज़ा आ गया था। ऊपर से LED लाइट्स थे सभी में, तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो राइड करने में भी मज़ा आ गया। तो ये होटल में हम लोगों ने चेक इन किया था, सब आराम कर रहे हैं, फिर भी आपको रूम दिखा देता हूँ मैं, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विन डीजल। ये अपने जिग्नेश भाई, वैभव सो रहा है, पूरन फ्रेश होने के लिए गया है। यहाँ पे टॉयलेट है, वॉशरूम है, दो गद्दे बिछाए थे, हम दो ऊपर सोए थे। यहाँ पे हमारा सब सामान बिखरा पड़ा है, टीवी है, सर्विस फोन भी वहाँ पे पड़ा है। काफ़ी अच्छा रूम है। अभी राइडर्स का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 1500 रुपये में हम लोगों को दो दिन के लिए 3000 में रूम मिल गया है। ये अभी कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, देख लो, आपके लिए प्रिपेयर किया। So we are having parathas, दो आलू पराठा और दो मिक्स पराठा। अरे बड़ा अर्धा अर्धा पर डाल दे लो, अरे लाड़ी जी। He is a big man. So good afternoon guys, अभी 12 बज रहे हैं और मैं अपने बाइक को सर्विसिंग के लिए लेके जा रहा हूँ। बाद में यहाँ पे कुछ 3-4 प्लेसेस है, वहाँ पे घूमने जाना है। हिम एनफील्ड करके कुछ है यहाँ पे, रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर, वहाँ पे मैं अभी जाऊँगा। सर्विस बुक ले लिया है। गुजरात से धर्मशाला होता है 1700 किलोमीटर एंड बाइक मेरा सर्विसिंग के बाद अराउंड 2500 चल गया है। 3000 पे सर्विस करवाना होता है, लेकिन अभी ऑफ रोडिंग के लिए जाना है, ले की ओर जाना है, बाइक पे फुल प्रेशर होगा, तो अभी सर्विस करवा लेता हूँ मैं एंड दैट्स इट। जनरल चेकअप करवाना है, ऑयल चेंज हो जाएगा, सभी पुर्जे डीले हो गए होंगे 1700 किलोमीटर में, क्योंकि 100 प्लस स्पीड पे राइड करते हैं हम लोग हाईवे पे, तो थोड़े थोड़े वाइब्रेशन की वजह से जैसे बोल्ट निकल गया है, लाइट के क्लैम का बोल्ट निकल गया है, उसी तरह से और भी कुछ पुर्जे डीले हुए होंगे, कुछ नट बोल्ट्स टाइट कर लेंगे, प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। सो हियर इट इज, रॉयल एनफील्ड वर्कशॉप। भैया सर्विस करवाना था, मैंने फ़ोन किया था। बाइक सर्विसिंग में दे दिया है, ये फोर्थ सर्विस है। 9119 किलोमीटर्स से मैं सर्विस करवा रहा हूँ एंड चेन में से थोड़ा आवाज़ आ रहा था, वो मैंने इश्यू बता दिया इन लोगों को। इंजन ऑयल इस बार चेंज नहीं होगा, मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ मोटूल का 5100, वो मैं इस टाइम डालने वाला हूँ। कितना बिल आता है वो सब मैं आपको बता दूंगा बाइक के डिलीवरी के टाइम। 2-3 घंटे में तो सर्विस हो जाएगा बाइक का, कुछ एक्स्ट्रा काम है नहीं। ले और स्पीति के लिए बाइक प्रिपेयर हो जाएगा। पहली बार मैं अपने बाइक की हिमाचल में सर्विस करवा रहा हूँ, कैसा रहता है एक्सपीरियंस हिम एनफील्ड का मैं आपको बता दूंगा इस सर्विसिंग के बाद। सो सी यू गाइस। ये नट बोल्ट यहाँ से निकल गया है, वो भी डालना है। अड़िया गाइस, चेन ल्यूब में मोटूल का चेन ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्लीन कर देंगे चेन को, ल्यूब में अपना खुद का उनको दूंगा तो वो लोग चेन ल्यूब करके दे देंगे, तो चेन ल्यूबिंग का कॉस्ट भी कट जाएगा बिल से। एंड अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है
तो खुद का अपना चेन ल्यूबिंग का स्प्रे ले लो, वो 4 से 5 बार आप खुद यूज़ कर सकते हो, घर पे भी चेन ल्यूब कर सकते हो, क्योंकि 1000 किलोमीटर्स पे तो चेन सूख जाता है क्योंकि इसका चेन कवर नहीं आता, तो आप घर पे भी अपने बाइक को चेन ल्यूब कर सकते हैं। सो इसीलिए आप अपना खुद का चेन ल्यूब कैरी करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाइक को सर्विस में देके मैं फ्रेशन अप होने के लिए आया था अपने बाइक के साथ, वैभव के साथ, एंड अभी स्टेडियम देखने जाना है। लेट्स रोल माय ब्रो। सो राइट नाउ वी आर एंटरिंग टू स्टेडियम इन धर्मशाला, देखते हैं कैसा है। आप पहले देख लो, ड्रोन शॉट देख ले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड पे, खेलेंगे थोड़ी देर, देखते हैं कैसा पिच है, सब आपको रिव्यू दूंगा। और पहला बॉल ट्रायल वाला होगा, और थोड़ा भी कट लगेगा तो आपको भाग के रन लेना, नहीं तो आपको आउट हो, आप आउट हो जाओगे। कटे रन बोलते, मजाक कर रहे थे। अभी मेरा बाइक सर्विस में दिया था, वो लेने जाना है, एंड देन मैक्लोडगंज नड्डी पॉइंट पे जाना है, देन लेट्स सी। We are having lassi outside stadium, और वैभव और पूरन वो लोग नींबू सोडा, भाई 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 नींबू सोडा पी रहे हैं, आए हाय नींबू सोडा पी रहे हैं वो लोग। अगर स्टेडियम की बात करें तो वहाँ से ऊपर बर्फ वाले सब माउंटेन्स दिखेंगे, इट माइट बी मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम। बाइक का सर्विसिंग हो गया है लेकिन वॉशिंग बाकी है, वो भाई छुट्टी पे है वॉशिंग वाला, तो रॉयल एनफील्ड ऑफिशियल्स में हम अपने हाथों से वॉशिंग करेंगे आज। वॉश तो मैंने खुद कर दिया है, चेन मैंने सिर्फ पिन करवाया था यहाँ पे, अभी ल्यूबिंग मैं खुद कर लूँगा, तो ल्यूबिंग के जो ये लोग 250 रुपीज़ देते हैं वो लगेंगे नहीं बिल में। दिखाता हूँ आपको, बिल भी दिखा देता हूँ। ये नट निकल गया था, वो भी डाल दिया इन लोगों ने, एंड ये जो है ये वाला कैप यहाँ से ऑलवेज थोड़ा ढीला हो जाता है, तो एलन की से ये भी फिट करवा लिया करो, और फुटरेस्ट का भी ध्यान रखो, चेन ल्यूबिंग और फुटरेस्ट कंप्लीट होगा तो वाइब्रेशन आएगा नहीं यहाँ पे। 99 रुपीज़ इज़ अ बिल अमाउंट, एंड ये सब मैंने चेक करवा लिया है आज, दैट्स इट। तो सर्विस इज़ डन परफेक्टली, एंड अभी ऑयल चेंज करवाना है मुझे। आई एम यूजिंग दिस मोटुल 5100 15W50, ये सेमी सिंथेटिक है, 4 सर्विस फ्री सर्विस हो गया है मेरा रॉयल एनफील्ड में, तो अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, एंड रॉयल एनफील्ड का मैं ऑयल नहीं यूज़ कर रहा अभी, सेमी सिंथेटिक करता हूँ क्योंकि बाइक पे बहुत लोड पड़ेगा और 500cc का इंजन है तो बेटर है। इसमें 1/2 लीटर डालूंगा मैं, ठीक है, 2 लीटर डाल दिए पहले। धर्मशाला हम लोग जब कल आ रहे थे तो रास्ते में ठंडी ठंडी ब्रीज आ रही थी, जो स्मेल थी पता नहीं क्या चीज की थी, लेकिन ठंडी ठंडी ब्रीज बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत बहुत प्यारी खुशबू थी, जन्नत में आ गया हो ऐसा लग रहा था, और टेम्परेचर काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ का।
शुरुआत हो चुकी है। मैं विजन बना हूँ कि क्योंकि मुझे राइड करने का आज मूड नहीं है, तो मैं चिल मारूंगा और तप्पू भाई ले जाएंगे हमें सेक्सी वाली जगह पे जहाँ सब सनसेट एंजॉय करेंगे। फिर हम जाएंगे शिवा कैफे जहाँ पे हम थोड़ा बहुत चिल मार लेंगे यार। What a view man, from McLeodganj, Naddi view point, sunset point है ये। यहाँ पे hotels and everything stuff आपको सब कुछ मिल जाएगा। धर्मशाला से better है आप। धर्मशाला से better McLeodganj में stay करो। Yeah, that's it. So we guys are living from here, from Chillax Cafe. यहाँ पे आए थे हम लोग एक दो घंटे से, डेढ़ घंटे से यहाँ पे थे हम लोग। And we met some wonderful and interesting people over there. We were been to Chillax Cafe, Dharamkot. Best public है यहाँ पे, best crowd मिलेगा। अगर आपको अलग टाइप का कुछ experience करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो भाई, awesome place. यहाँ पे टोटली इजरायली एंड लोकल क्राउड ही आपको मिलेगा, इंडियंस यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेंगे। अगर आप चिल मारने के लिए कैफे की तलाश कर रहे हो तो धर्मकोट इजरायली मार्केट इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। जिगा भाई कुछ कहना चाहते हो कैमरा से? बहुत बढ़िया प्लेस है, यहाँ आना चाहिए सबको। कैफे से रिटर्न होके वी आर हैविंग सम स्ट्रीट फूड ओवर हियर, कोतवाली बाजार में। ये प्लेस है कोतवाली बाजार धर्मशाला में। यहाँ पे आपको 12 बजे तक चिकन स्ट्रीट फूड में मिल जाएगा, काम हो जाएगा सबका। एंड वी आर हैविंग सम चिकन दाना स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट कौन सा फूड? स्ट्रीट फूड। राइट नाउ वी आर बैक टू आवर होटल्स। रात का पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, रात का 1 बज गया है। मैंने मेरे सब कपड़े धो के सूखने के लिए रख दिए हैं, 3 दिन के कपड़े थे तो थक गया हूँ। करना पड़ता है व्लॉगर लाइफ, राइडर लाइफ करना पड़ता है। देख लो ये सब ड्राई फिट कपड़े हैं मेरे, 3 दिन से मैं यही पहन रहा था। और रूम में देख लो कैसी तैयारी चल रही है, ऐसी कुछ है रूम की हालत। क्या भाई सब कुछ पैकिंग हो गया? सब पैक हो गया, कल सुबह 7 o'clock 350 किलोमीटर का राइड करना है। कल सुबह में निकलना है 7 बजे, तो उठना पड़ेगा 5 बजे क्योंकि बाइक पर पूरा सामान लोड करना है। 1 बज गया है, मैं अभी नहीं सोऊंगा क्योंकि आज के सब फुटेजेस है जो धर्मशाला और मैक्लोडगंज के हैं। मैक्लोडगंज इज़ अ ग्रेट प्लेस गाइस, इट्स अ काइंड ऑफ मस्ट विजिट प्लेस इन धर्मशाला, नियर बाई धर्मशाला। नदी व्यू पॉइंट जहाँ पे सनसेट दिखता है, एंड देन चिलिंग कैफे लवर्स के लिए मैक्लोडगंज इज़ द बेस्ट प्लेस
क्योंकि धर्मकोट में इजरायली मार्केट है, वहाँ पे आपको हर तरह के कैफेज मिल जाएंगे, यू नो हर तरह के कैफे मिल जाएंगे। मिलते हैं कल, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रोलिंग विथ पीस ब्रो, पीस।